हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी बात करेंगे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी है ना सो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दी गई है अमित सर ने एक वीडियो बनाया होगा जहां पर इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने प्रोवाइड की होगी ठीक है सो मैं स्पेसिफिकली यहां पर आज बात करने वाला हूं फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट के बारे में सो so, सबसे पहले आप लोग के दिमाग में एक डाउट आता होगा सर अगर मैं इस कोर्स को लेता हूं और ये सब्जेक्ट में पढ़ता हूं ठीक है सब टीचर अपने अपने बारे में बताएंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में सो so, इस कोर्स से मेरा कौन सा एग्जाम निकल जाएगा क्या सारी चीजें होंगी सो so, ये कोर्स आपका स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आपका एस एस जेई के लिए ऑल स्टेट ए एंड जेई एग्जाम्स के लिए सो so, आपका एस एस जेई का एग्जाम हो गया आर आर बी जेई का एग्जाम हो गया या किसी भी स्टेट का ए या जेई का एग्जाम है सो so, ये सारे एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन कोर्स ए कोर्स की मदद से ठीक है सो इसको मैंने कवर किया है इसमें फ्लूड मैकेनिक्स को सो so, चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड स्टैटिक्स बोइसी एंड फ्लोटेशन फ्लूड काइनमेटिक्स फ्लूड डायनेमिक्स फ्लो थ्रू पाइप्स, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो इसको मैंने एक ही चैप्टर में रखा हुआ काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये देन शनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर फ्लो एंड लास्ट में आपका हाइड्रोलिक मशीन है सो फ्लू मैकेनिक्स के ही अंदर हम लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन को भी कवर किया हुआ है सो हाइड्रोलिक मशीन अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा इसी के साथ इंक्लूड है हाँ ओपन चैनल फ्लो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो आपका सेपरेट कोर्स होगा ठीक है ना वो सेपरेट कोर्स होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी ठीक है चलिए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर ये चीज हो गया अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक मैंने एक बार पढ़ लिया सब कुछ या मैं मुझे कुछ तो, जैसे फ्लूड कैनमेटिक्स में मुझे काफी चीजें पता है बट मुझे एक टॉपिक में डाउट है सो so वो टॉपिक अगर मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं तो किस तरीके से कहां पर कैसे दिखाई देगा सो so उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं सो so यहां पर आप देखोगे कि वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन है है ना कि अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं दैट इज

सो so, पहला सेक्शन हमारा एस एस को फोकस करते हुए है सेकेंड सेक्शन हमारा ऑल स्टेट ए एंड जेई को फोकस करते हुए है और जो हमारा लास्ट सेक्शन है प्रैक्टिस वो आप लोगों के लिए है तो जब आप पहला दूसरा कर लोगे और पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस वाला ऑलरेडी आपसे बन जाएगा ठीक है फिर एक क्वेश्चन आता है सर एस एस सी जे में तो कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आता है क्या उसको भी इसमें कवर किया गया है यस yes. हर एक चैप्टर में आप देखोगे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है ठीक है ना So, आप देख सकते हो डिटेल्ड वे में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है ये पॉइंट में रखते हुए कि इसको कवर करने के बाद आपका किसी भी लेवल का ए या जे लेवल का कोई भी एग्जाम हो आप उससे क्लियर कर सको ठीक है नेक्स्ट आप फ्लूड स्टेटिक्स में देख लीजिए फ्लूड स्टेटिक्स में भी यहां पर टॉपिक्स आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स कवर हैं देन बोइंसी एंड फ्लोटेशन हमारा एक छोटा टॉपिक है देन नेमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी चीजें हैं तो आप टॉपिक वाइज भी जाके लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो जैसे आपको स्ट्रीम लाइन स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन के बारे में पढ़ना है तो सीधा चैप्टर फोर में जाके लेक्चर टू आप ओपन कर सकते हो ठीक है ना चलिए सो so, यहां पर देख सकते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने कराया है इस वाले में देन कन्वेंशनल क्वेश्चन का आप देख सकते हो ठीक है ना सो so, ये सारी चीजें हैं यहां पर अच्छा इनके साथ साथ एस एस सी प्रीवियस क्वेश्चन ऑल स्टेट ए के क्वेश्चन के अलावा भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन अलग से भी यहां पर होंगे वो सारे क्वेश्चन किसी किसी ना किसी, या जेई एग्जाम से ही होंगे ठीक है ना जिसको हम लोगों ने यहां पर कवर किया है ठीक है देन लेमिनार फ्लो 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 टर्बुलेंट एंड थ्रू ये तीन अलग अलग टॉपिक है जिनको एक चैप्टर में कवर किया गया है सो तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा है जैसे मैंने आपको बता रहा हूं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना फ्लो पाइप इन पैरल आप यहां पर आके देख सकते हो डायरेक्टली ठीक है ना So, इस फॉर्म में रहेगा सो so ऑल आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल्ड वे में हर एक टैब चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है एंड देन हाइड्रोलिक मशीन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा देन यहां पर आप देख रहे हो कि सर स्टार्टिंग में आपने आठ बताया था यहां पर नाइन्थ भी आ गया ठीक है तो कुछ मिसलीनियस टॉपिक है जिसको लास्ट में कवर किया गया है ठीक है सो so, ये सारी चीजें तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कंप्लीट पैकेज है ये कंप्लीट पैकेज है आपका किसी भी एंड एग्जाम्स को कवर करने के लिए सो नंबर ऑफ ऑफ वैराइटीज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें है ना मेनली मैंने ये फोकस किया है कि बच्चे को किस पर्टिकुलर particular... देखिए जब आप जब हम लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना और लाइव जब करते हैं तो हमारे पास एक वो रहता है कि हम डाउट क्लास में पूछ सकते हैं बट जब ये रहता है तो हो सकता है द डाउट्स है तो मुझे जहां जहां पर लगा है कि बच्चों को डाउट्स आ सकता है मैंने उस क्वेश्चन मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में चीज खुद ही अपने आप से पूछा है कि हाँ, यहां पर आपको डाउट आ सकता है एंड उस डाउट को भी क्लियर किया गया सो इसमें रिकॉर्डेड में भी आपको फीलिंग आएगी कि आप एक लाइव लेक्चर को देख रहे हो और आपके जो डाउट आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं ओके okay? सो so, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि, कि किसी भी पर्टिकुलर ए या जे एग्जाम की अगर मैं बात करूं है ना एस एस सी जेई एंड ऑल स्टेट ए जेई के लिए तो ये कोर्स आपके लिए सफिशियंट होगा सो उसके लिए आपको आ, डिटेल मैंने आपको फील्ड मैकेनिक्स की बता दी है इसी तरीके से सभी टीचर्स आपको डिटेल में अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है देन यू कैन रीच आउट टू अस आप हमसे आके बात भी कर सकते हो ओके थैंक यू एवरीवन